यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। उत्तर भारत में अचानक मौसम के मिजाज बदलने से हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के साथ साथ कई राज्यों में भी बारिश हो रही है। बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं किसानों को भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन दिनों फसलें पक चुकी हैं और फसलों पर पानी गिरने से फसलें खराब हो रही हैं। दूसरी तरफ इस बारिश से आम लोगों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि अप्रैल महीने से ही पारा 37 डिग्री के पार हो चला था, लेकिन बारिश से एक बार फिर से पारे में गिरावट आई है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 जगह से तस्वीरें हैं और ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र, करनाल, जगाधरी, गुरुग्राम और अंबाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मौसम जो है वो बदला है, मौसम ने मिजाज बदला है। उत्तर भारत में बारिश हुई है, जिसके चलते एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है और साथ ही मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही 37 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच गया था। तो ऐसे में बारिश से अब लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। प्रदेश भर से अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, और ऐसी ही तस्वीरें पूरे उत्तर भारत से सामने आ रही हैं, जहां बारिश के चलते लोगों को राहत की सांस नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे रोहतक से, हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मौसम ने मिजाज बदला है, ऐसे में रोहतक में कैसा असर इसका देखा जा रहा है और साथ ही लोगों की तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं बारिश के चलते? देखिए, लगातार 2-3 दिन से जो मौसम में जो बदलाव आया है, उससे किसानों की जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई है। आज सुबह से जो तेज आंधी और जो बारिश हो रही है, उससे काफी परेशान है किसान। उनका यही कहना है कि जो बारिश हुई है, उससे जो गेहूं की फसल है जो बिल्कुल पककर तैयार है, उसमें जो गीलापन आ गया है वो कटाई अभी नहीं हो पाएगी, और साथ में जो गेहूं मंडियों पहुंचा वो भी भीग गया है, तो गीला होने के कारण मंडी के जो सरकारी खरीद है वो भी नहीं हो पा रही है, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सुरेंद्र, चूंकि गेहूं भीग चुका है किसानों का, तो ऐसे में मुश्किलें किसानों के लिए जाहिर तौर पर है, खरीद जो है वो नहीं हो पाएगी फसल की, लेकिन अब किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? साथ ही मंडी के जो जिसके पास जिम्मेदारी है मंडी के प्रशासन की, उनकी तरफ से क्या कहना है, क्योंकि किसानों का गेहूं भीग चुका है, तो ऐसे में उनकी खरीद को लेकर अब क्या कुछ कहना है? जी, भले ही जो मंडी मार्केट कमेटी है उसकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो कि जो किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा, बारिश के जो बचने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो सामने आया कि मंडियों में जिस तरह से गेहूं अभी आना ही शुरू हुआ है, तो अभी मंडियों में जो गेहूं आया वो भी भीगा भीग चुका है जी। और जो आने वाला है वो भी जो किसान खेत में पड़ा है वो भी भीग चुका है, और जो खेत में कटा गया वो भी भीग चुका, किसानों को काफी परेशानी है। तो मंडी जो मार्केट कमेटी है उसकी तरफ से अभी पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए हैं। ये तो रोहतक की बात करें, अगर रोहतक के अगर दूसरे जो खरीद केंद्र है वहाँ तो सेट तक नहीं है, तो वहाँ और भी भारी दिक्कत हो रही है। तो किसानों को नुकसान हुआ है बारिश से। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मंडी कमेटी की तरफ से जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त नहीं थी, जिसके चलते किसानों का गेहूं भी भीग गया है, किसानों को नुकसान जो है वो हो रहा है इस बारिश के चलते। करनाल से हमारे संवाददाता KCRA फोन लाइन पर है। KCRA, करनाल में बारिश का असर जो है वो किस तरह से देखा जा रहा है, साथ ही किसान जो है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल अवंतिका, मैं आपको बता दूं जो है ना, ये बिना मौसम की जो बारिश हुई है, आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी जो है करनाल में भी चल रही है, और जो अनाज मंडी है यहाँ पर काफी बड़ी अनाज मंडी है, जिसमें हजारों बोरियां जो गेहूं की है बाहर पड़ी थी, और वो बोरियां जो गेहूं की है बारिश में भीग गई है। कहीं ना कहीं जिला के अधिकारियों द्वारा कहीं जो लापरवाही है, या वहाँ पर जो काम देख रहे हैं वो जो चेयरमैन है या फैक्ट्री है, तो उनकी लापरवाही के चलते वो गेहूं भीग गई है। फिलहाल किसानों के जो चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो 6 महीने की जो कमाई थी वो मंडी में आई पड़ी है, और जो किसान वहां लाए थे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद जो है ना बोली शुरू हुई है, लगभग 7 दिन के बाद बोली शुरू हुई थी, और उसके बाद रात को जो है ना कनक आई हुई, सभी जो है ना गेहूं भीग गई है। फिलहाल किसानों की जो है ना परेशानी है, उनके जो उदास चेहरे हैं कि अब जो गेहूं की जो और भी कई दिन यहां पर लगेंगे उसको सुखाने में। जी, KCRA, इसके अलावा मंडी कमेटी की तरफ से जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आप सुधार करेंगे वो, क्योंकि मौसम जो है वो अचानक से करवट बदल रहा है, बेमौसम बरसात जो है वो हो रही है?
बिल्कुल मंडी के अधिकारियों द्वारा या फैक्ट्री द्वारा तो पहले ही दावे किए जा रहे थे कि जब बोली नहीं हुई थी उनका कहना था कि सभी पूरी तरह इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं, पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं, किसानों के लिए कोई भी जो है परेशानी नहीं आने दी जाएगी। परंतु जो अचानक आई बारिश ने जो ना और किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, जो गेहूं बाहर पड़ी थी बिना शेड के पड़ी थी वो बिल्कुल भीग गई है, गिल्ली हो गई है और उसको और भी कहीं 2-3 दिन और भी सुखाने में लगे हैं, किसानों के लिए और परेशानी हो गई है क्योंकि पहले ही नमी के चलते जो है ना एक हफ्ता जो है ना बोली नहीं हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया केसीआर तमाम जानकारी के लिए। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा फोन लाइन पर है। राजीव, कुरुक्षेत्र में बारिश का असर कैसा देखा जा रहा है? हाँ जी वंतिका, देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में सुबह से ही बरसात हुई, कभी बारिश धीमी थी तो कभी एकदम से तेज हो गई, जिसके कारण जो है जो फसलें हैं वो काफी खराब हो गई और जो किसानों को जो उनका पीला सोना था वो उससे उसका जो है काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी आकलन किया जा रहा है कि ये नुकसान कितना है और इसकी जो है विशेष गिरदावरी किसकी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन किसानों को जो है फसल काट कर जो है मंडी में लेकर आना था तो अब जो है उन्हें जो है नमी के कारण जो ये फसल है वो सुखा कर लानी पड़ेगी, तभी जो है उनकी फसल बिक पाएगी। और मंडियों की यदि बात की जाए तो मंडियों में भी जो गेहूं बिकने के लिए आया हुआ था वो गेहूं जो है कुछ हद तक खराब हो गया, कुछ हद तक भीग गया और उसे जो है सुखाकर ही जो है उसकी बोली हो पाएगी। हालांकि जो मंडी के अधिकारी हैं उनसे जब हमारी हमने बात की थी तो उनसे ये पूछा गया कि तिरपाल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और ये जो है गेहूं क्यों भीग गया, तो वो इस बात पर जो है हिलावाली करते नजर आए और इस बात से बचते नजर आए, अपनी जो बात थी वो आड़तियों पर डालते हुए नजर आए कि जो तिरपाल की व्यवस्था थी वो आड़तियों को करनी थी, लेकिन आड़ती जो है उनका कहना है कि ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था मंडीकरण बोर्ड को करनी है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है जवाबदेही जो है डालते हुए नजर आए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव अरोड़ा तमाम जानकारी के लिए। गुलशन हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। गुलशन, क्या गुरुग्राम में भी मंडियों के अंदर व्यवस्थाओं का अभाव देखा गया? बारिश हो गई लेकिन किसानों का नुकसान हो रहा है। देखिए बिल्कुल, लगातार जो 2 दिनों से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अनाज मंडी में जो गेहूं पड़ा हुआ था उसमें काफी गेहूं जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, जो कि हमने रूपनगर की एक अनाज मंडी का भी दौरा किया था, उस दौरान हमने देखा कि लगभग 50 क्विंटल गेहूं जो है किसानों और साथ में जो आड़ती है और जो सरकारी जो खरीदा गया है वो सारा जो है खराब हो गया है। ऐसे में आज सुबह भी गुरुग्राम में बरसात हुई है और जिससे कि जो गेहूं है वो अभी भी वहां पर पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पर पर्याप्त जो है शेड नहीं थी, अगर शेड होती तो कहीं ना कहीं वो गेहूं बच सकता था या उसके ऊपर तिरपाल भी ढक दिया जाता तो भी गेहूं बच सकता था, लेकिन मंडी के जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है हमारी उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तिरपाल की व्यवस्था जो है की हुई है लेकिन अचानक जो है बारिश आ गई जिसके कारण जो है तिरपाल भी हम समय पर नहीं डर पाए जिससे कि गेहूं खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं अब क्या सरकार ने कोई ऐसा कोई साधन निकाला है कि जिससे कि जो गेहूं अगर किसानों का जो खराब हुआ है उनको क्या मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अभी जो गेहूं की फसल है वो कटी भी नहीं थी जिससे कि किसानों का गेहूं खेतों में भी जो है बारिश के आने से खराब हुआ है, तो ऐसे में सरकार को अब किसानों के प्रति जो है सोचना होगा कि जो गेहूं किसानों का खराब हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि मंडियों में जो है गेहूं की खरीद नहीं हो रही है जिसके कारण मंडियों में गेहूं जो है पड़ा हुआ है और सरकारी रेट पर नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन मंडी में जो गेहूं पहुंचा जो पक्कर किसान लेकर गए गेहूं मंडी में बेचने के लिए वो भी वहां खराब हुआ क्योंकि शेड की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नहीं थी। लेकिन गुलशन, इसके अलावा अगर हम बात करें आम जनजीवन की, क्योंकि बारिश होती है तो अक्सर गुरुग्राम में जाम की स्थिति भी देखी जाती है, इस बार नगर निगम कितना तैयार है? देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम नगर निगम ने पहले ही एक प्लान तैयार किया है कि बरसात आने से पहले पहले जो है जिस तरीके से कई चौराहों पर जाम लगने की स्थिति पैदा होती थी, चाहे राजीव चौक की बात करें या सिग्नेचर टावर की बात करें या अन्य और भी चौराहे हैं जहाँ पर जाम की स्थिति काफी रहती थी, लेकिन अब वहाँ पर अंडरपास जो है बन गया है जिससे कि कहीं ना कहीं अब जाम नहीं होगा। लेकिन पुराने शहर की बात करें तो पुराने शहर में लगातार जो है बारिश के आने से जो है जाम लग जाता है और पानी भी जो है गलियों में भर जाता है, लेकिन उसको लेकर के निगम जो है लगातार तैयार है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ गुरुग्राम की गलियों के अंदर पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई भी हुई है, लेकिन बरसात के पानी से जो है वो पूरा जो गड्ढा जो खोदा गया था निगम की तरफ से वो पूरा लेवल अप भर गया है,
जिससे कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी खासी परेशानी हो रही है। जो लोग गाड़ी या बाइक से जो है चल रहे हैं उनमें भी खासी परेशानी हो रही है, तो उनको भी सावधान रहना होगा कि कहीं भी सड़क में गड्ढा हो सकता है जिसके कारण वो हादसा भी जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को भी अपनी सावधानियां बरतनी होगी बरसात के आने की। चलिए बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मंडियों में किसानों का गेहूं जो है वो खराब हुआ है, बारिश के चलते भीग गया है गेहूं, जिसकी वजह से खरीद अभी और नहीं हो पाएगी क्योंकि गेहूं भीग गया है। लेकिन ऐसे में सवाल मंडी के अधिकारियों पर भी उठ रहे हैं, मंडी प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त नहीं की गई। जब मंडियों में गेहूं आना शुरू किया तो क्यों शेड की या त्रिपाल की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई।